हेलो हिप हॉप लिसनर्स, तो कैसे हो आप लोग। तो स्टार्ट करते रफ्तार से। तो मुनव्वर फारूकी को सपोर्ट करते हुए रफ्तार की तरफ से एक स्टोरी देखने को मिली है कुछ ऐसी। इसके अलावा काफी सारे रैपर्स अभी सपोर्ट कर रहे हैं मुनव्वर को, साथ ही स्टैन भी एक स्टोरी डालता है मुनव्वर के लिए। कट्टर फैम, येड़ भगा दो, लास्ट चांस टू वोट फॉर माई ब्रदर मुनव्वर एंड गेट द ट्रॉफी बैक होम, वापस घर पे आना मांगती ट्रॉफी अपने को। तो बादशाह की तरफ से भी एक स्टोरी देखने को मिली थी। तो बात कर लेते एडी नागर के बारे में। तो एडी नागर का भी पॉडकास्ट देखने को मिला है रियल हिट के यूट्यूब चैनल से। तो वहाँ पे वो अपनी एक पुरानी कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में बात करते हैं जो कि उनकी हनी सिंह के फैंस के साथ हुई थी कैसनोवा सॉन्ग के रिलीज टाइम। बात नहीं रखी थी पर एक यही हनी बाजी का गाना था कैसनोवा, उसमें उन्होंने लिल पंप के साथ कोलैब किया था। तो जिसने वो गाना लिखा था, होमी दिल्ली वाले ने गाना लिखा था, मैंने गाना सुना, मेरी एक्सपेक्टेशंस अलग है यार उनसे, पाजी से। ठीक है, हम फैन हैं यार, हम तो सबसे बड़े फैन हैं, हमसे बड़ा फैन कौन होगा। ठीक है, अगर यही अपनी कहानियां सुनाएंगे उनके फैन होने की तो बहुत बड़ी बड़ी है। आजकल के बाड़े की थोड़ी फैन है यार, हम तो कलाकार ही जिसकी वजह से बने। अच्छा नहीं लगता यार, अब मैं कोई बहुत ही ऐसी चीज़ करूंगा कि जो आपको अच्छी नहीं लगेगी। अगर आप मुझे बहुत टाइम से सुनते हो तो थोड़े नाराज आप भी हो गए एज अ फैन, एज एन ऑडियंस। ठीक है, आप तो मुझे फ़ोन ही कर दोगे। मैंने तो उन्हें मैसेज भी करा था इंस्टा पे, भाई आप मुझसे लिखवा लो, मैं गोस्ट प्रोडक्शन में डाल देना। ठीक है, मेरा नाम मत डालना पर गाने मैं लिखूंगा आपके। मेरे को आप मौका दो, कुछ नहीं चाहिए, कोई वो नहीं चाहिए। उन्होंने सीन भी करा था, रिप्लाई नहीं करा, बट मैंने मैसेज कर दिया था यार, इतना भी लग गया था। वो गाना अच्छा नहीं था कैसे ना हुआ, बट अगेन जिस कंडीशन में, जिस मेडिकल कंडीशन में वो हैं, उनको बाइपोलर डिसऑर्डर रहा है और मैं देखा है, मैंने पेशेंट्स मेरी फैमिलीज में भी रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात यह है कि वो गाने बना पा रहे हैं। तो बात कर लेते शेडी मैलो के बारे में। तो शेडी मैलो एक स्टोरी डालता है, स्टॉप यूजिंग चीप ट्रिक्स फॉर व्यूज एंड एंगेजमेंट, इट इज नॉट फनी, रेसिज्म इज नॉट फनी। इसके अलावा पैंथर की मिक्स टेप जो है वो भी ट्रेंड कर रही है एप्पल म्यूजिक में 26th नंबर पे। साथ ही वो अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पे बताते हैं कि उनसे एक भाई पूछ रहे थे, आपकी मैनेजमेंट से कोई मास प्रोमो कर रहा है क्या। तो वो लिखता है, नो प्रोमोस, ये किसने बोला, पूछा क्या इतनी हाइप देख के। हाँ भैया, मुझे लगा प्रोमो चल रहा है, चीतों के प्यार को मास प्रोमो समझ रहे हैं लोग, इन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये लड़का कर कैसे रहा है, बट इट्स ऑल यू। इसके अलावा इनका आज तक से इंटरव्यू भी देखने को मिला है, तो लिंक दे दूंगा मैं, आप लोग जाके चेक कर सकते हो। तो अब बात कर लेते रागा और डीजी इमॉर्टल्स के बारे में। तो इनका भी अभी एक पॉडकास्ट देखने को मिला है अंकुर पाठक के साथ। साथ ही रागा एक पोस्टर डालता है, भाइयो आई हैव बीन रियली एक्साइटेड टू टेल यू दिस, गैसोलीन मेड इट टू अ देव पटेल्स अपकमिंग मूवी मंकी मैन, गॉड इज ग्रेट, द हम्बलेस्ट माई ब्रो अपाशे मैन, यू नेल्ड इट, कूडोस टू हिज टीम एंड माई मैनेजर, लेट्स गो। साथ ही नेजी का नो गफलर ट्रैक आउट हो गया। इसके अलावा और म्यूजिक, तू है कहां सॉन्ग पे 1 बिलियन हिट्स क्रॉस कर चुका है अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म्स, स्पॉटिफाई, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एप्पल म्यूजिक और जितने भी प्लेटफॉर्म्स है सब पे मिला के। तो क्या कहना है इसके बारे में बताओ जरा। तो इसी के साथ मिलता हूँ मैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।